सभी भाइयों बहनों को आपके अपने YouTube चैनल YCG बुक्स में आपका स्वागत है। प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही बगल में बेल आइकन की बटन है उससे भी प्रेस कर देंगे, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। दोस्तों, मैं स्टीम पावर प्लांट का मुख्य टेस्ट पार्ट नंबर 18 तक करा चुका हूँ और स्टीम पावर प्लांट में आज पार्ट नंबर 19 करा रहा हूँ। बहुत ही स्पेशल मॉक टेस्ट चल रहा है YCG बुक्स पर, आप लोग जरूर मॉक टेस्ट दीजिए क्योंकि बहुत ही स्पेशल मॉक टेस्ट है, खासकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए स्पेशल मॉक टेस्ट लाया गया है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लीजिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर इज, इसमें हमें बताना है जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है इसमें कौन सा है, जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, रूट्स ब्लोअर कंप्रेसर, ये हमारा जो होता है ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर में आते हैं। देख लीजिए, आप लोग ऑप्शन लगाया कीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए आपका कितना आंसर सही जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं, हम तभी मॉक टेस्ट हमारा सफल होगा जब आपका आंसर लग जाएगा और उसके बाद आपको ये पता हो जाएगा हमारा कितना क्वेश्चन सही जा रहा है। ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस सेट होता है। अब देख लीजिए, TNPSC AEE 2015 क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, अब इसमें आप लोग बता दिए, ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, अब इसमें कौन सा, सभी लोग, अब जो बचे वो तो हमारा नेगेटिव हो जाएंगे, हाँ ये हमारा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कंप्रेसर। ठीक है, नॉन पॉजिटिव वाले हैं, नेगेटिव नहीं है, नॉन पॉजिटिव वाले हैं। ठीक है, देख लीजिए, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, ये भी हमारा नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है, और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ये भी हमारा नॉन पॉजिटिव है, कंडेंसर भी, ये भी नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है। ठीक है, अब देख लीजिए सभी क्वेश्चन के बारे में इसका डिस्क्राइब करके नीचे लिख दिया गया है, उसको भी देख लीजिए। जो रूट ब्लोअर कंप्रेसर, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें भी रूट ब्लोअर कंप्रेसर इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, कंप्रेशन होता है। ठीक है, रूट ब्लोअर जो कंप्रेसर होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर होता है। अब देख लीजिए इसका डिस्क्राइब किया है, उसको देख लीजिए। कंप्रेसर दो टाइप के होते हैं, एक तो रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर होता है और एक तो रूलरी एयर कंप्रेसर होता है। इन दोनों के बारे में देखेंगे, पहले देख लीजिए अब रूलरी एयर कंप्रेसर को, दो कंप्रेसर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, एक तो नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर होता है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो कंप्रेसर उसमें आते हैं रूलर ब्लोअर कंप्रेसर होता है, एक वेन ब्लोअर कंप्रेसर होता है। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाले कंप्रेसर हैं और ये हमारे जो है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हो गया, ये एक्सियल फ्लो, ये हमारा नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाले कंप्रेसर हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था, चलिए आप लोग लगा दिए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन जो सेलेक्टिव क्वेश्चन है देख लीजिए आप लोग। कोई व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विथ इंक्रीजिंग प्रेशर रेशियो इन केस ऑफ सिंगल स्टेज कंप्रेसर इन कंप्रेसर। ठीक है, जो किस तरीके से इसमें वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के साथ जो इंक्रीज हो जाता है प्रेशर रेशियो, किस में सिंगल स्टेज कंप्रेशन के दौरान जब वहाँ पर कंप्रेसर होता है, जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ये देख लीजिए, UPSC AE 2016 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, पर थोड़ा सा ध्यान दूंगा आपको खुद दिया जाएगा। चलिए आंसर देख लीजिए आप लोग, आप लोग लगा दिए होंगे, मेरा आंसर देख लीजिए, आंसर नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सिंगल स्टेज कंप्रेसर में जो होता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी प्रेशर रेशियो अगर इंक्रीज होगा तो उसके साथ डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यही ध्यान रखना है। अब देख लीजिए आप लोग इसका आंसर, इसके बारे में देख लीजिए, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्री एयर डिलीवरी पर स्ट्रोक द स्विफ्ट वॉल्यूम ऑफ द पोस्ट पिस्टन, जो पिस्टन होता है पर स्ट्रोक में कितना फ्री डिलीवर कर देता है, कितने वॉल्यूम के लिए, कितने रेशियो में, उसे वही हमारा होता है बायोमेट्रिक एफिशिएंसी। तो बायोमेट्रिक एफिशिएंसी आप है रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर विथ क्लीयरेंस वॉल्यूम गिवन बाय, जो बायोमेट्रिक एफिशिएंसी होती है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के साथ जो क्लीयरेंस वॉल्यूम बनाती है उसके उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1+C-Cp2/P1 एक पावर 1/N, यानी ये हमारा P2/P1 जो है ये हमारा प्रेशर रेशियो दिया है। ठीक है, P2/P1 ये पावर होल
वन अपान एन, ये हमारा जो है ये हमारा प्रेशर रेशियो दिया है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख, अच्छा इसके बारे में और थोड़ा सा देख लो, क्लीयरेंस वॉल्यूम जी इक्वल टू जो क्लीयरेंस वॉल्यूम कहते हैं, क्लीयरेंस रेशियो कह लीजिए, क्लीयरेंस क्लीयरेंस अगर हमें रेशियो निकालना होगा तो क्लीयरेंस वॉल्यूम अपान स्विफ्ट वॉल्यूम ऑफ द पिस्टन, ठीक है, और पी वन इनिटियल प्रेशर ऑफ एयर हो जाएगा और पी टू फाइनल प्रेशर ऑफ एयर हो जाएगा। एन क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है, और इफ है अगर पी टू अपॉन पी वन देख लीजिए यहाँ पर दिया है इंक्रीज देन द बैलोमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज, अगर पी टू अपॉन पी वन इंक्रीज होगा तो बैलोमेट्रिक एफिशिएंसी जो है डिक्रीज हो जाएगी, अगर बैलोमेट्रिक एफिशिएंसी इंक्रीज कब होगी, जब पी टू अपॉन पी वन डिक्रीज होगा, ठीक है, ये हमारा जो प्रेशर रेशियो डिक्रीज हो जाएगा तो बैलोमेट्रिक एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, बस इसे थोड़ा सा ध्यान देना था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सभी क्वेश्चन जो बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन रखे गए हैं, ठीक है, देख लीजिए यूपीपीएससी यही 2012 का 2016 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द कंप्रेसर वर्क रिक्वायरमेंट इज मिनिमम इन केस ऑफ कंप्रेशन प्रोसेस बीइंग, हमें बताना इसमें जो कंप्रेशन होता है वर्क के दौरान जो जिसकी रिक्वायरमेंट होती है कम बहुत कम केस में कंप्रेशन प्रोसेस की जहाँ से शुरू होता है कौन सा हो, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग आइडिया भी, ठीक है, आपको फिगर याद ही होगा ना जो कंप्रेसर होता है, चलिए अभी आपको याद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, सबसे अधिक कंप्रेसर में हीट की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, ये हमें जरूर यहाँ यहीं से हमारा शुरुआत होता है कंप्रेसर, ठीक है, क्योंकि भाई कम अगर हीट वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे तभी हमारा वहाँ कंप्रेसर बनेगा, एयर को कंप्रेस करेगा, ठीक है, प्रेशर बन के। अब देख लीजिए, अच्छा इसके बारे में देख लो पहले, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, द कंप्रेशन वर्क रिक्वायरमेंट इज मिनिमम इन केस ऑफ कंप्रेशन प्रोसेस बीइंग आइसोथर्मल, यहाँ जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है वहीं से जो कंप्रेशन वर्क स्टार्ट होता है, ठीक है, अब देख लीजिए वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक कंप्रेशन इक्वल टू, जब वर्क डन शुरू होता है कब, जब एडियाबेटिक कंप्रेसर होता है तो उसके इक्वल टू हो जाएगा एडियाबेटिक कंप्रेसर इक्वल टू लेमडा अपॉन लेमडा माइनस वन पी टू वी टू माइनस पी वन बी वन, ये फार्मूला याद रखिएगा कब है, ये एडियाबेटिक कंप्रेशन के दौरान है, ठीक है, अब देख लीजिए अगला क्या है, जब वर्क डन ड्यूरिंग द पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन हो तब वहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या हो जाएगा, पॉलीट्रॉपिक में यन आएगा, उसमें क्या आता था एडियाबेटिक में लिमडा आता था, एन अपान एन माइनस वन पी टू वी टू माइनस पी वन बी वन, ठीक है, ये याद रखिएगा कब, जब पॉलीट्रॉपिक होगा, और देख लीजिए वर्क ड्यूरिंग द आइसोथर्मल कंप्रेशन, वर्क कब होगा, जब आइसोथर्मल कंप्रेशन के दौरान, तब वहाँ पर हो जाएगा पी वन बी वन इंटू पी टू वी टू, ठीक है, इसमें इनलेट होगा पी टू वी टू, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी जो सेलेक्टिव क्वेश्चन थे, देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों को खुद ही समझ में आया होगा, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये देख लीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है, द प्रेशर रेशियो ऑफ एन आइडियल बेनेड कंप्रेसर विथ इंक्रीज इन मास फ्लो रेट, ठीक है, हमें इसमें बताना है अगर प्रेशर रेशियो जो होता है आइडियल जो बेनेड कंप्रेसर होता है उनके साथ इंक्रीज हो जाए उसका मास जो मास फ्लो रेट होता है तो उसमें क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, जल्दी से बताओ उसमें क्या होगा, बीपीएससी एई 2012 पेपर 5 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिए और ये बताते रहिए कितना क्वेश्चन आपका सही जा रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से मैं और अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ठीक है, चलिए इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर नंबर इसमें देख लीजिए आप लोग खुद ही, बीपीएससी एई का पेपर है इसको देखना जरूरी है, डिक्रीज हो जाता है, क्यों देख लीजिए प्रेशर रेशियो जो है अगर डिक्रीज होगा तभी जो हमारा कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज होगा, इफिशेंसी उसकी इंक्रीज होगी, ठीक है, यही हमारा होता है इसीलिए वहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, चलिए अब देख लीजिए एक मिनट, हाँ अब सही है, ठीक है, देख लीजिए आप लोग खुद ही आंसर नंबर इसमें बी से हो जाएगा, अब इसके बारे में देख लो पहले थोड़ा सा, द प्रेशर रेशियो ऑफ एन आइडियल बेनेड कंप्रेसर विथ इंक्रीज इन मास फ्लो रेट डिक्रीज, जैसे इंक्रीज होगा जो आइडियल बेनेड कंप्रेसर होगा वहाँ पर मास फ्लो जो है डिक्रीज होता रहेगा तभी हमारा जो है ये प्रभावशाली होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। लॉस इन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आर ड्यू टू, जो लॉसेस होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में उसमें किस तरीके से होता है। बीपीएससी ए 2012 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। देख लीजिए, लॉसेस सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में कहाँ किसके कारण होता है, जब इनलेट लॉसेस होता है, जब इनलेट में लॉस होगा तब होगा, और इम्पेलर चैनल जो लॉसेस होता है वहाँ पर होगा, डिफ्यूजर लॉसेस में होगा, ऑल ऑफ दीज हम कह सकते हैं, एक प्रकार से सभी में होगा। अगर इनलेट में लॉस हो रहा तब भी होगा, इम्पेलर में होगा तब भी वहाँ पर होगा, जो डिफ्यूजर होता है वहाँ पर तब भी हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए आंसर इसका कौन सा, आंसर नंबर इसमें डी से हो जाएगा। लॉसेस इन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आर ड्यू टू इनलेट लॉसेस, इम्पेलर चैनल लॉसेस एंड डिफ्यूजर लॉसेस, तीनों के कारण इसमें लॉस ही होता है, ठीक है, आप लोग देख लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आप लोग जरूर दीजिएगा मॉक टेस्ट। द सेल डायमीटर एंड लेंथ ऑफ लोकोमोटिव बॉयलर आर, ऐसे जल्दी से बताओ आप लोग, जो सेल डायमीटर होगा और लेंथ ऑफ लोकोमोटिव जो बॉयलर होगा उसमें कितना होगा, जल्दी से बताओ। इसमें ऑप्शन लगा दिया गया, ऑप्शन नंबर इसमें ए से हो जाएगा, 1.5 मीटर टू 4 मीटर, ठीक है, इतना लंबा होता है जो सेल होते हैं बॉयलर का, लोकोमोटिव बॉयलर का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। सेल डायमीटर ऑफ ए लोकोमोटिव बॉयलर इज 1.5 मीटर एंड लेंथ ऑफ लोकोमोटिव बॉयलर इज 4 मीटर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये एक प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल भी है। इन ए टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग आर एयर कंप्रेसर, अगर टू स्टेज में जो रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर होता है, द सेक्शन एंड डिलीवरी प्रेशर आर 1 बार, जो सेक्शन के दौरान या डिलीवरी के दौरान जो प्रेशर होता है उसका 1 बार होता है और 4 बार रिस्पेक्टिवली क्यों होता है, ठीक है, सेक्शन के दौरान 1 बार होगा और डिलीवर के दौरान 4 बार क्यों होगा। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी रिकूलर के लिए, रिकूलिंग के लिए जो रिकूलर होगा प्रेशर होगा उसमें कितना हो जाएगा, ठीक है, इंटरकूलर जैसे ही इंटरकूलिंग होता है प्रेशर में तो उसमें क्या होगा, जल्दी से बताओ आप लोग, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। चलिए बीपीएससी ए मेंस का क्वेश्चन है, इसके लिए हम इसको लगा के बताएंगे। एफिशिएंसी द मिनिमम वर्क कंजप्शन एंड द मिनिमम मैक्सिमम एफिशिएंसी द इंटरमीडिएट प्रेशर, जैसे ही उसमें प्रेशर को इंटरमीडिएट कराया जाएगा तो उसमें प्रेशर P1 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में P1 इंटू P2 इक्वल टू हो जाएगा, हम इसका मान रख देंगे, P1 का मान 1 दिया था, P2 का मान 4 दिया था, 4 × 1 × 2 bar, हम कह सकते हैं प्रेशर कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी 2 bar के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत हुई ना, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा उसके बाद खुद ही लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इज यूज्ड फॉर विच द फॉलोइंग, इसमें से बताना है जल्दी से, सेंट्रीफ्यूगल जो कंप्रेसर होता है उसका यूज किया जाता है इसमें से किसके लिए, ठीक है, जब बीपीएससी ए मेंस 2017 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको लगा दिए होंगे आप लोग, इसका मैं आंसर दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आप लोग लगाए होंगे। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की बात है, याद कीजिएगा, ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इज यूज्ड फॉर लो प्रेशर रेशियो एंड हाई मास फ्लो, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है, ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, ठीक है, लो प्रेशर रेशियो एंड हाई मास फ्लो होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हाई पॉजिटिव इंसिडेंस, देख लीजिए अभी, हाँ अब दिखेगा आपको, ठीक है, देख लीजिए, हाई पॉजिटिव इंसिडेंस इन एन एक्सियल कंप्रेसर ब्लेड लीड टू, जो ब्लेड लीड होगा एक्सियल कंप्रेसर का वो पॉजिटिव इंसिडेंस होता है, एक है हाई पॉजिटिव इंसिडेंस, जल्दी से बताओ वो क्यों, उसको हाई प्रेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें सेपरेशन ऑफ फ्लो ऑन द सेक्शन साइड ऑफ द ब्लेड, जो सेपरेशन करने के लिए जो उस पर फ्लो होता है सेक्शन साइड ब्लेड के सेपरेशन करता है, ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, इसमें लगा दिया गया है, बीपीएससी मेंस 2017 का क्वेश्चन था। चलिए इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा, स्टेलिंग डिप्रेशन सेपरेशन, जो स्टेलिंग होती है जो सेपरेशन किया जाता है ऑफ फ्लो फ्रॉम द ब्लेड सरफेस
एट हाई इंसिडेंस प्लेट सरफेस पे जो होता है, कहाँ पर होता है, हाई इंसिडेंस फ्लो सेपरेशन अक्रॉस ऑन द सक्शन साइड ऑफ द ब्लड विच इज रिफर्ड एज ए पॉजिटिव स्टेलिंग। ठीक है, जिसको रिफर किया जाता है पॉजिटिव स्टेलिंग के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सभी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी सेलर क्वेश्चन है। देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा जो है। पहले ऑप्शन में पढ़ देता हूँ एक बार फिर से इस क्वेश्चन को, द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी या फिर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की जो एफिशिएंसी होगी वॉल्यूमेट्रिक वो क्या होगी, जल्दी से बताओ आप लोग। बीपीएससी एमएन से 2017 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से लगाएंगे। चलिए आंसर देख लीजिए आप लोग खुद ही, उसके बाद आप लोग खुद ही लगाएंगे। आंसर नंबर इसमें डी से हो जाएगा। इसमें क्या होता है, डिक्रीज बोथ जो दोनों जो है डिक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीज क्लीयरेंस रेशियो एंड प्रेशर रेशियो, और इंक्रीज क्या होता है इसमें क्लीयरेंस रेशियो और प्रेशर रेशियो। ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होती है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इक्वल टू होते हैं वन अपान एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस बी सी अपान बी एस। ठीक है, जो अब देख लीजिए इन टू क्या हो जाए, पी टू अपान पी वन और वन अपान एन माइनस वन, ये हमारा पी टू अपान पी वन जो है ये हमारा क्या है, ये प्रेशर रेशियो है। ठीक है, चलिए और देख लीजिए इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, वन प्लस सी माइनस सी पी टू अपान पी वन पे पावर होल पावर वन अपान एन। ठीक है, ये हमारा हेंस द बैरोमीटर एफिशिएंसी डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग द क्लीयरेंस रेशियो प्रेशर रेशियो बोथ। ठीक है, क्लीयरेंस और प्रेशर रेशियो दोनों जो है अगर इंक्रीज हो जाए तब बैरोमीटर एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डिक्रीज होने के साथ होता है, स्टेलिंग ऑफ ब्लड इन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर ऑफ इज द फेनोमेनन ऑफ, जो स्टेलिंग ब्लड होती है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में उसको उन वहाँ पर क्या काम होता है उसका फेनोमेनन, जल्दी से बताओ आप लोग। ये देख लीजिए गुजरात पीएससी 2019 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी जल्दी पूछा गया था। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, एयर स्ट्रीम नॉट एबल टू फ्लो द ब्लड काउंटर काउंटर। देख लीजिए स्टेलिंग इज फ्लो सेपरेशन, इसका देख लीजिए इसका डिस्क्रिप्शन जो है, स्टेलिंग इज फ्लो सेपरेशन फ्रॉम ब्लड कंट्रोल कंटाउर, जो इसमें कंटाउर दिया है प्रोफाइल दिया, कंटाउर प्रोफाइल किस तरीके से होता है उसको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप लोग पहले इसको देख लीजिए, दिस हैपेंस व्हेन द फ्लो वेलोसिटी इज लो आर एनी अदर रीजन ड्यू टू, जो इसका फ्लो वेलोसिटी होती है वहाँ पर किसी अदर रीजन के कारण, विच इनलेट ब्लड एंगल डिवेट जो उसके डिजाइन होती है वैल्यू वो कम हो जाती है। ठीक है, अंडर दिस कंडीशन एयर स्ट्रीम इज नॉट एबल टू फ्लो ब्लड कंटाउर, जो ब्लड कंटाउर पे होता है वो एयर स्ट्रीम जो है फ्लो नहीं हो पाता जिस तरह उसकी मात्रा चाहिए, उसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से अनस्टडी पीरियड एंड फ्लो रिवर्सल इज सराउंडिंग एंड नॉट स्टेलिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा इसे पढ़ना था इसीलिए मैं उस पर इतना ध्यान नहीं दे रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर विथ रेडियल वेन स्लिप फैक्टर इज द रेशियो आप। इसमें देख लीजिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा, गुजरात पीएससी ए 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा, चलिए आंसर मैं दिखा देता हूँ, आंसर नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, होयल जो होयल होती है होयल वेलोसिटी टू द ब्लड वेलोसिटी एट इंपेलर इजेक्ट, जो होयल वेलोसिटी होगी किसके साथ, ब्लड वेलोसिटी के साथ, जो ब्लड वेलोसिटी पर होगी इंपेलर एजेक्ट होगा जहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। चलिए अच्छा ये क्या होता है इसके बारे में देख लो, जो स्लिप फैक्टर है, ठीक है, स्लिप फैक्टर ओ इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन व्हेन द नंबर ऑफ ब्लड आर फाइनाइट, जो नंबर ऑफ ब्लड होंगे उसको फाइनाइट किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, अगर इनफाइनाइट होता तो उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, टू द वर्क ड्यू अंडर आइडियल कंडीशन व्हेन द नंबर ऑफ ब्लड आर इनफाइनाइट, जब देख लीजिए जब ब्लड इनफाइनाइट हो तब वहाँ पर जो है वर्क रेशियो उसका क्या होगा,
तो वर्क डन उस पर क्या होगा, ठीक है, जब ब्लड इनफाइनाइट हो तब उस पर क्या होगा, जल्दी से देख लीजिए आप लोग इसका ऑप्शन नंबर, इसमें सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा बी वन डब्लू होल ट्वाइज और बी डब्लू का होल ट्वाइज, ये हमारा होगा, ठीक है। ये हमें जो दिया है ये वर्क के लिए हमें दिया है, अपने आप से नहीं पता है। जो अगर मान लो इनफाइनाइट होगा और फाइनाइट जब वर्क होगा तब उसके लिए बैलोमेट्रिक वेलोसिटी जो होगा उस दिया है यहाँ पर डिफाइन करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ए रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर द कंप्रेसर वर्क पर केजी ऑफ एयर, जो रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर होगा, कंप्रेसर वर्क पर केजी जब उसमें एयर होगा तो उसमें क्या होगा, जल्दी से बताओ। ओपीएससी AEE 2019 का पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देख लीजिए आप लोग खुद ही, ठीक। आंसर नंबर इसमें सी से हो जाएगा, सिंस द बलून फ्लो रेट और मास फ्लो रेट डिपेंड अपॉन क्लियरेंस सो द टोटल वर्क डिपेंड अपॉन द, इसमें देख लीजिए मैं इंडिकेट करते चल रहा हूँ, डिपेंड किस पर करता है, क्लियरेंस वॉल्यूम पर करता है, बट नॉट वर्क रिक्वायर्ड फॉर पर केजी। जब इसमें डिपेंड करेगा क्लियरेंस वॉल्यूम पर तो इसमें वर्क रिक्वायर्ड नहीं होगा पर केजी पर, ठीक है। वहाँ पर हेंस हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक प्रकार से पर केजी को, डब्ल्यू इक्वल टू होगा एफिशिएंसी इसके लगा देंगे एन अपॉन एन माइनस वन आर टी, अभी इसके बारे में बताया था पी टू अपॉन पी वन होल पावर एन माइनस वन अपॉन एन, ठीक है। अगर होता तब यहाँ पर लेमडा हो जाता, ठीक है। इन डिपेंड अपॉन द फ्लो रेट ऑफ द क्लियरेंस। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द प्री व्हील ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, जो प्री व्हील होगा तो उसमें क्या सही हो जाएगा, आप ओपीएससी AEE 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आप लोग लगा दिए होंगे। चलिए ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, ठीक है। टू अवॉइड द चोकिंग एट कंप्रेसर इनलेट, इसको चोकिंग कंप्रेसर इनलेट जब उसमें होगा तो उसको चोकिंग से अवॉइड किया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में देख लीजिए, प्री व्हील ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, जो प्री व्हील होगा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में तो क्या क्या होगा, पॉइंट उसका देख लीजिए। द टू मेंटेन द मच नंबर लेस देन यूनिटी एट इंपेलर ई टिप्स, जो इंपेलर ई टिप्स होती है उसके अकॉर्डिंग इसकी मेंटेनेंस जो होती है अधिक नंबर से कम होती है, ठीक है। अब देख लीजिए अगला टॉपिक क्या है, टू इंक्रीज द रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट गाइड वेन, जो इंक्रीज हो जाती है इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कब, जब इस पर इनलेट गाइड वेन होती है, ठीक है, वेन पर इनलेट होता है। और अगला पॉइंट क्या है, द प्री व्हील रिड्यूस द वर्क इनपुट ऑफ द कंप्रेसर, जो प्री व्हील होगा इस पर रिड्यूस वर्क होगा उस पर इनपुट करने के लिए कंप्रेसर पर, तो द वेलोसिटी द इनलेट वेलोसिटी ऑफ इंपेलर इज इंक्लाइंड बाय एन एंगल, तो उसकी वेलोसिटी जो होगी इंपेलर की वो इंक्रीज हो जाएगी जो इंक्लाइंड होगा, उसको कहते हैं हम इज नोन एज प्री व्हील, उसे कहते हैं प्री व्हील, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये प्री व्हील जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोग देख लिए होंगे कितना अच्छा क्वेश्चन था सभी। अब एक न्यूमेरिकल आ रहा है, इस न्यूमेरिकल को हम लोग करेंगे, ठीक है। इन फोर स्टेज कंप्रेसर, अगर फोर स्टेज कंप्रेसर है तब उसमें यदि प्रेशर एट फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज आर वन बार, पहला और तीसरे स्टेज पर जो है वन बार दिया है और सिक्सटीन बार, वन बार एंड सिक्सटीन बार दिया है, ठीक है। पहले स्टेज पर वन बार और थर्ड बार, जो थर्ड स्टेज होगा उस पर 16 बार होगा। देन द वेलोसिटी देन द डिलीवर प्रेशर एट द फोर स्टेज विल बी, जो डिलीवर उस पर प्रेशर होगा फोर स्टेज पर तो उस पर क्या होगा, कौन सा कितना प्रेशर आएगा, जल्दी से बताओ। देख लीजिए आप लोग, अभी आप लोग खुद ही बताएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। ओपीएससी AE 2019 का पेपर है ना, लेकिन बहुत सिंपल है। देख लीजिए वन बार दिया है P1, थर्ड प्रेशर P3 दिया है 16 बार और P2 हमारा दिया है, P2 इक्वल टू होएगा P1 इंटू P3 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू हम देख सकते हैं 1 इंटू 16 यानी 4 बार, ठीक है। अगर 4 बार हमें निकल गया क्या, P2 निकल गया, P1 निकल गया, P2 निकल गया और P3 था और P4 दिया ही था। अब हम लगा दिए होंगे P4 हमें निकालना था, P4 अपॉन P2 इक्वल टू P3 अपॉन P1, हम यहाँ पर लिख सकते हैं P4 अपॉन P4 अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 16 अपान वन, ठीक है। 16 अपान वन होगा, जब 16 अपान वन होगा तो हम यहाँ पर एक तरीके से लिख सकते हैं
P4 इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर भाई मैंने वैल्यू को पुट कर दिया सभी को, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 64 बार आएगा। ठीक है, P4 इक्वल टू, बस वही हमसे पूछ भी रहा था, हम बता भी दिए, कितना सिंपल सा था। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बहुत सिंपल ही है। ठीक है, इसमें आंसर लगा भी दिया गया है, इन ए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एंड इंक्रीज इन स्पीड एट ए गिवन प्रेशर रेशियो केस, जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में होता है इंक्रीज हो जाती है, एक इंक्रीज स्पीड हो जाती है जो कि उस पर प्रेशर रेशियो, जो प्रेशर रेशियो केस होता है उसकी स्पीड पर। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, इंक्रीज इन फ्लो। ठीक है, OPSC AE 2019 का पेपर था, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए इसके बारे में देख लीजिए आप लोग, इंक्रीज इन स्पीड गिव इंक्रीज फ्लो, इंक्रीज स्पीड होने के साथ साथ या इंक्रीज इस पर फ्लो जो होता है इंक्रीज हो जाता है। एज वर्क ऑफ कंप्रेशन इंक्रीज, जो वर्क कंप्रेशन होगा वह भी इंक्रीज हो जाएगा, देन इट रिड्यूस द कंप्रेसर एफिशिएंसी, तो उस पर जो कंप्रेशन की एफिशिएंसी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, या हम कह सकते हैं EDs फ्रॉम आर फाउंड, जो EDs फॉर्म के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यह भी एक न्यूमेरिकल ही है, वही अभी बहुत इंपॉर्टेंट ही होगा, चलिए इसको भी लगाएंगे हम लोग। व्हेन द आउटलेट एंगल ऑफ फ्रॉम द रोटर ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इज मोर देन 90 डिग्री, देन द ब्लेड आर सेड टू बी, तो उस ब्लेड को हम क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। अगर 90 एंगल से अधिक होगा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, OPSC AE 2019 पेपर 2 में आया हो।